राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। 26 मई की शाम 6 बजे देश भर की नजरें राष्ट्रपति भवन पर होंगी। राष्ट्रपति भवन में ही नई सरकार के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री पद गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को शपथ ग्रहण समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं, आइए आपको बताते हैं। छब्बीस मई की शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार के सामने शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्टेज बनाया गया है। इसी स्टेज पर नरेंद्र मोदी और बाकी मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। स्टेज के दाईं तरफ कुर्सियां लगाई जाएंगी, जिन पर नरेंद्र मोदी और शपथ लेने वाले मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्टेज के सामने 7 कतारों में वीवीआईपी लोगों के लिए 500 कुर्सियां लगाई गई हैं। दूसरे देशों के प्रमुख, देश के उपराष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश समेत प्रोटोकॉल के तहत देश विदेश के सभी वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था यहीं की गई है। इसके पीछे लगभग 2600 कुर्सियों पर देश भर के सांसदों और बाकी मेहमानों को बैठाने की व्यवस्था है। सबसे पीछे प्लेटफॉर्म बनाकर लगभग 1100 कुर्सियां लगाई जा रही हैं, ताकि पीछे बैठने वाले को भी ऐतिहासिक लम्हे को देखने में किसी तरह की दिक्कत न हो। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में मेहमानों के बैठने के लिए कुल 4278 कुर्सियां लगाई गई हैं। वीवीआईपी सेक्शन बना है, एक वीआईपी सेक्शन बना है, एक जनरल बना। जनरल के राष्ट्रपति भवन में जो भी आएगा सारे वीआईपी हैं हमारे लिए, तो सबकी वैसी ही व्यवस्था की जा रही है। 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत शाम 6 बजे होगी। करीब घंटे भर यानी शाम 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि मई महीने की गर्मी में 6 बजे भी तापमान का असर रहता है, इसलिए शपथ समारोह में पहुंचने वाले मेहमानों पर गर्मी का असर कम हो, इसके लिए खास व्यवस्था राष्ट्रपति भवन की तरफ से की गई है। 70 मिस्ट पंखे लगाए गए हैं। मिस्ट पंखे की खासियत ये होती है कि इनके नीचे पानी होता है और हवा के साथ साथ ये पानी के फव्वारे भी छोड़ते हैं। गर्मी में इन पंखों से खास राहत मिलेगी। इसके अलावा लगभग 30 से 40 बड़े कूलर भी लगाए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बेहतर कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों के लिए अलग स्टैंड बनाया गया है, ताकि कैमरे की नज़र से ऐतिहासिक लम्हे का कोई भी हिस्सा न छूट पाए। शपथ ग्रहण स्टेज से मीडिया स्टैंड करीब 55 मीटर की दूरी पर है। राष्ट्रपति भवन में इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन की हर फंक्शन प्रोटोकॉल के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से एकदम सही होना चाहिए, कोई स्लिप इसमें नहीं होना चाहिए, और एंड वी विश टू टेक नथिंग टू चांसेस। करीब घंटे भर शपथ समारोह चलेगा और समारोह के बाद अतिथियों के लिए हाई टी की व्यवस्था की गई है, यानी चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ नाश्ते की भी व्यवस्था। एक नज़र डालते हैं शपथ समारोह के मेन्यू पर। मेहमानों के लिए इमरती, पैटीज, कुकीज, ढोकला, पेस्ट्री, कबाब और सैंडविच की व्यवस्था है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा और एक बार फिर राष्ट्रपति भवन का फोरकोर्ट नई सरकार के गठन का गवाह बनेगा। समय के लिए कैमरा पर्सन योगेश नंदा के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।